first blood. तो गाइस कैसे हैं आप लोग? बहुत बुरे हैं हम लोग। यार आज का वीडियो का टॉपिक किसके ऊपर होने वाला है? हाँ भाई, आज का वीडियो का टॉपिक रोटेशन रैग के ऊपर होने वाला है। लेकिन यार रोटेशन रैग तो बहुत ही ज्यादा पुराना हो चुका है, लेकिन मेरे वीडियो में ऐसा क्या न्यू चीज है जो आपको दूसरे के वीडियो में नहीं देखने को मिला? तो यार वही चीज आपको जानने के लिए वीडियो को पूरा शुरू से लेकर एंड तक देखना पड़ेगा बिना स्किप करे। तो ये रोटेशन रैग कैसे मारे इसके ऊपर हम लोग बाद में आते, सबसे पहले बात करते कि रोटेशन रैग हम लोग क्यों यूज करे और कब यूज करे। देखो यार कुछ सिचुएशन ऐसे आते है कि जिस सिचुएशन पे हम लोग स्ट्रेट ड्रैग का यूज करते हैं, लेकिन वहां पे हमारा जो एम है, हमारा एम एनिमी के बॉडी तक ही पहुंच पाता है, हमारा एम एनिमी के हेड तक पहुंच नहीं पाता है, तो उस सिचुएशन पे हमें रोटेशन ड्रैग का यूज करना है। अब देखो रोटेशन ड्रैग जब आप लोग यूज करोगे तो वहां पे क्या फायदा मिलेगा कि आपका जो एम है, आपका एम अनलॉक होकर एनिमी के हेड तक चला जाएगा बहुत ही आसानी से। बस इतना सा ही चीज है और कुछ भी नहीं है। तो देखो यार रोटेशन ड्रैग यूज कैसे करें, मतलब फायर बटन को लेफ्ट साइड या फिर राइट साइड से तो घुमाना है, सबको पता ही है, लेकिन ये चीज को हम लोग कैसे करें? अब देखो रोटेशन रैग सबसे पहले किसने इन्वेंट किया था? राइस्टर ने। हाँ भाई मुझे पता है, राइस्टर ने सबसे पहले रोटेशन रैग इन्वेंट किया था। तो अगर आप लोग राइस्टर जैसा रोटेशन रैग मानना चाहते हो तो आप लोग कैसे मार सकते हो? तो राइस्टर की तरह रोटेशन रैग मारने से पहले आपको एक बात जानना है कि एम को व्हाइट रख के रोटेशन रैग यूज करे या फिर एम को रेड करके रोटेशन रैग यूज करे। देखो अगर आप लोग ड्रैग गन यूज रहे हो तो वहां पे आपको एम को रेड करके रोटेशन ड्रैग यूज करना है, और अगर आप लोग कोई भी वन टैप के गन यूज कर रहे हो तो वहां पे आप लोग एम को व्हाइट रख के या फिर वहां पे भी आप लोग एम को रेड करके रोटेशन ड्रैग यूज कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं आएगा। क्या पढ़ाई में आपको आते हैं डाउट्स? तो 5 सेकंड्स में डाउटनेट के साथ करो ने आउट। बस अपने सवाल की फोटो खींचो, क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सॉल्यूशन पाओ। फिर चाहे आपका सवाल फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायोलॉजी का हो, सीबीएसई, यूपी, बिहार, मध्य प्रदेश या अन्य स्टेट बोर्ड्स का हो, यहां तक कि कक्षा 6 से 12वीं, IIT, JEE और नीट का सवाल हो, सभी सवालों के वीडियो सॉल्यूशन बस 5 सेकंड में आपको मिलेंगे डाउटनेट ऐप पर। इसके साथ ही डाउटनेट पर चल रही है इंडिया की नंबर 1 डेली ऑनलाइन वीडियो क्लासेस, वो भी इंग्लिश और हिंदी मीडियम में, जहां पूरा कोर्स पढ़ाया जा रहा है। तो आज ही जाकर इन कोर्सेज का हिस्सा बनिए और डाउटनेट ऐप इंस्टॉल कीजिए। अभी देखो यार आप लोग सोचते हो कि फायर बटन को हम लोग प्रेस करके भाई आराम से ऊपर की ओर ड्रैग करेंगे घुमा के तो हमारा जो एम है, हमारा एम ऑटोमेटिक एनिमी के हेड में चला जाएगा। तो भाई ये जो सोच है भाई, इस सोच को आपको बदलना है, क्योंकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर आप लोग फायर बटन को प्रेस करके बहुत टाइम ले लोगे वहाँ पे फायर बटन को रोटेट करने में, तो आपका जो एम है, आपका एम एनिमी के बॉडी में ही रहेगा, ठीक है ना। तो आपको ये जो प्रोसेस है, ये प्रोसेस आपको क्विकली करना है, बहुत ही फास्ट करना है, तभी जो आपका एम है, आपका एम यहाँ पे क्विक रिस्पॉन्स करेगा और आपका एम बहुत ही फास्ट एनिमी के हेड में जाएगा, वरना आपका एम एनिमी के बॉडी में चिपक के रह जाएगा। अब देखो यही चीज को मैं समझाने के लिए यहाँ पे मैं हैंड कैम का वीडियो यूज करूंगा ताकि आप लोग और भी अच्छे से समझ पाओ। तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे जो ट्रेनिंग मोड के अंदर जो हमारा एडम चाचा है इसके ऊपर ही हम लोग करने वाले। तो यहाँ पे मैं एम को रेड रखा हूँ और आप लोग यहाँ पे सबसे पहले मेरे हाथों के तरफ देखना कि मैं फायर बटन को यहाँ पे कितना स्पीड से रोटेट करूंगा। आप लोग यहाँ पे देख सकते हो कि मैं फायर बटन को कितना स्पीड से रोटेट कर रहा हूँ, तो आपको भी ऐसे ही यहाँ पे रोटेट करना है। अभी आप लोग यहाँ पे मेरा एम के तरफ देखो कि मेरा जो एम है, मेरा एम यहाँ पे कितना क्विक रिस्पॉन्स कर रहा है जब मैं फायर बटन को इतना फास्ट रोटेट कर रहा हूं। आप लोग खुद ही देख सकते हो कि मेरा एम यहां पे क्विकली रिस्पॉन्स कर रहा है, जिसके वजह से मेरा जो एम है, मेरा एम एनिमी के हेड में बहुत ही आसानी से पहुंच पा रहा है। बस इतना सही है कि अगर आप लोग फायर बटन को बहुत टाइम तक रोटेट करोगे, मतलब बहुत टाइम ले लोगे रोटेट करने में, तो आपका एम एनिमी के हेड में नहीं जाएगा। आपको ये प्रोसेस बहुत ही क्विकली करना है, तभी आपका एम एनिमी के हेड में पहुंच पाएगा। तो यहां पे मैं आपको एक और टिप्स बताना चाहूंगा कि जब आप लोग रोटेशन ड्रैग यूज कर रहे हो तो वहां पे आप लोग फायर बटन के ऊपर ध्यान मत रखो, क्योंकि यार फायर बटन को तो राइट साइड से या फिर लेफ्ट साइड से घुमाना है, वो आपके माइंड में पहले से ही सेट है। आपको ध्यान रखना है अपने एम के ऊपर कि जब आप लोग फायर बटन को रोटेट कर रहे हो उस वक्त आपका एम एनिमी के हेड तक पहुंच पा रहा है या फिर नहीं पा रहा है। तो यही चीज के ऊपर आपको ध्यान रखना है, तभी आपका रोटेशन ड्रैग परफेक्टली वर्क करेगा, आपको रिजल्ट अच्छा देखने को मिलेगा। तो यार आज का वीडियो बस इतना ही था। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दो, दोस्तों के साथ शेयर कर दो, और चैनल पे पहली बार आए हो तो भाई सब्सक्राइब कर लो यार, पैसा थोड़ी ना कट रहा है आपका यार, कर लेना। और डाउननट ऐप आप लोग जरूर इंस्टॉल करें। फिलहाल के लिए चलो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।